नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा इनविंसिबल एनिमेटेड सीरीज के बारे में, जिसे अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जा रहा है। मतलब अभी तक ये कंप्लीट नहीं आई है, अभी तक इसके 4 ही एपिसोड आए हैं और मैं 4 एपिसोड के बाद इसकी वीडियो क्यों बना रहा हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य रखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मुझे इतना खास नहीं लगा था, और जब ये फर्स्ट एपिसोड आया तो मैंने इसको देखना शुरू किया, और इसकी एंडिंग तक जब मैं पहुंचा, मतलब 45 मिनट का फर्स्ट एपिसोड है, इसके सारे ही एपिसोड जो है वो 40 से 45 मिनट के, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट एपिसोड आई डिसाइडेड भाई साहब इसे देखना तो बनता है। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट एपिसोड की, तो मैंने देखा बिल्कुल नॉर्मल सी कन्वर्सेशन है, कोई इतना कुछ खास नहीं है। फिर सुपर हीरो आते हैं, वहां पर अटैक हो रहा होता है तो उनको बचाते हैं, वही सुपर हीरो रिलेटेड जो एनिमेटेड मूवीज या सीरीज जो हम आज तक देखते हैं उनका काम यही होता है कि वो बचाने की कोशिश करते हैं और बचाते हैं लोगों को। तो ये सब चीजें इसके अंदर दिखाई जा रही थी, तो मैं ये सोच रहा था यार इसमें नया क्या है, हमने ऐसा क्या चीज नहीं देखी हुई जो इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इतना मेरा उसमें देखने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट फिर मैंने सोचा एटलीस्ट मैंने इसको स्टार्ट कर लिया तो ये एपिसोड देख कर ही उठते हैं। और जब इसकी एंडिंग तक पहुंचा, मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। तो अब आप लोगों को कहानी के बारे में बता देता हूं। जैसे ही आप इसके फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन ही देखोगे तो आप लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी कि यार हम जस्टिस लीग की कॉपी देख रहे हैं। एक्चुअल में वैसा ही कुछ इसमें दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल की जिसमें जस्टिस लीग में फ्लैश है, इसमें रेड रश नाम से एक करेक्टर यूज किया गया। जस्टिस लीग में जैसे बैटमैन है, इस सीरीज के अंदर डार्क विंग यूज किया गया है। सेम टू सेम कॉस्ट्यूम है, थोड़ी बहुत कॉस्ट्यूम के अंदर चेंज है। और जस्टिस लीग में जहां पर सुपरमैन है, यहां पर एक ओमनी मैन नाम से एक करेक्टर है, जो जैसे सुपरमैन बाहर प्लेनेट से आया था, किसी दूसरे प्लेनेट से आया था, ये ओमनी मैन भी किसी दूसरे प्लेनेट से है और उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है। इवन ये प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान यही है। इंसान क्या कहूं, ये एलियन ही कह लो। और जैसे सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, वंडर वुमन, ये अपने आप को जस्टिस लीग नाम दे रखा है। इन्होंने अपने आप को इस एनिमेटेड सीरीज में, इन्होंने अपने आप को गार्डियंस ऑफ ग्लोब के नाम से जाने जाते हैं। अब ये ओमनी मैन है जो इस धरती के ऊपर सबसे ताकतवर सुपर हीरो है। इसका एक बेटा है 17 साल का, जिसका नाम है मार्क। और जब ये 17 साल का होता है तब इसके पास भी पावर आ जाती है, और फिर अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके पिता इसको पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं, और फिर जब ये कंट्रोल करना सीख जाता है, थोड़ी बहुत कंट्रोल करने सीख जाते हैं, तो एक नए ग्रुप का या नए गार्डियन ऑफ ग्लोब का निर्माण होता है, जहां पर नए नए सुपर हीरो आते हैं। अब ये क्यों बना, कि नया ग्रुप क्यों बना, इसके पीछे एक बकायदा एक रीजन है। और पुराने वाले ग्रुप का क्या हुआ, देखो यार वो इतनी बढ़िया चीज है, वो मैं बताना नहीं चाहता। बढ़िया चीज क्या है, वो मेन चीज है यार, मेन वही एक पुराने वाले ग्रुप का क्या होता है, वो एक चीज ऐसी है कि जब आपको देखोगे तब आप ये पूरी एनिमेटेड सीरीज देखने का मन कर जाएगा। इसलिए वो एक स्पॉइलर है, वो तो मैं आप लोगों को बताने से रहा। और यकीन मानो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देख लो, पूरा एपिसोड जब कंप्लीट हो चुका होगा तब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी यार बिल्कुल ही जज्बात बदल दिए, कहानी बदल दी, सब कुछ एकदम चेंज हो जाएगा दुनिया में। इसके अलावा जो टीनेजर्स हैं इसके अंदर, जो नए गार्डियंस ऑफ ग्लोब बनते हैं, तो उनकी लव लाइफ भी इसमें थोड़ी बहुत उसके ऊपर फोकस किया गया है। और ये सीरीज बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार इसके अंदर वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, यानी एक्सट्रीम लेवल का है। इसमें जब आप देखोगे लास्ट में तो मतलब आंखें निकल के बाहर आ रही हैं, इतना भयंकर तरीके से मारा जा रहा है, तो बच्चों के लिए तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है ये। अब आप सोच रहे हो कि क्या ये हिंदी में देखने को मिलेगी, तो देखो यार हिंदी का एनिमेटेड सीरीज से काफी ज्यादा 36 का आंकड़ा होने लग गया, तो ये हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में है। और अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी सबटाइटल भी नहीं है, इंग्लिश सबटाइटल है, उससे काम चला लेना। आई होप सो आप लोगों को वो चीजें समझ आ जाएंगी। अब इसके एनिमेशन की बात करूं तो देखो एनिमेशन मुझे इतना खास लगा नहीं, ठीक है हम उसको थोड़ा बहुत सह लेते हैं, लेकिन कहानी काफी इसकी अच्छी है। मेरी तरफ से इस एनिमेटेड सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। सर अगर आप लोगों ने ये एनिमेटेड सीरीज देख ली तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो एक डिफरेंट टाइप का जोनर आप एनिमेटेड सीरीज देखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी एनिमेटेड सीरीज है। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद, और मैं तभी आप लोगों को रिकमेंडेड कर रहा हूं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।